दोस्तों, आप सभी ने 1989 में आई हिंदी फिल्म त्रिदेव तो देखी ही होगी, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकारों ने अपने खूबसूरत किरदारों को पर्दे पर पेश करते हुए इस फिल्म को सुपरहिट बनाया था। इसीलिए तो ये फिल्म सभी की चाहने वाली फिल्म बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आप फिल्म त्रिदेव में नजर आए कलाकारों के बारे में तो सब जानते हैं, मगर क्या आप उनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में जानते हैं, जो इन्हीं की तरह सक्सेसफुल हैं और दिखने में भी इन्हीं की तरह काफी अच्छे नजर आते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फिल्म त्रिदेव में नजर आए 5 कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों से रूबरू कराएंगे। तो अगर आप भी मिलना चाहते हैं उन कलाकारों से और उनके बच्चों से, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं उन 5 कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों से। नंबर 1 पर है माधुरी दीक्षित। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम फिल्म त्रिदेव में नजर आई खूबसूरत अदाकारा माधुरी दीक्षित का आता है, जिन्होंने दिव्या माथुर के किरदार में अपना जादू सभी पर चलाया था। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ बच्चों की, तो हम आपको बता दें कि इनकी शादी डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से हुई है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हैं, रायन नेने और एरिन नेने, जो कि काफी छोटे हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, जिनसे माधुरी बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। नंबर 2 पर है जैकी श्रॉफ। फिल्म त्रिदेव में रवि माथुर के खूबसूरत किरदार में नजर आए अभिनेता जैकी ने भी इस फिल्म में दिव्या के हमसफर रवि बनकर खूब तारीफें बटोरी थी। लेकिन अगर बात करें इनके बच्चों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनके 2 बच्चे हैं, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ, जहां टाइगर बॉलीवुड के सबसे फेमस अभिनेता हैं, जो कि हीरोपंती मूवी से फेम हासिल कर चुके हैं और दिखने में भी काफी हैंडसम नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इनकी बेटी कृष्णा श्रॉफ मॉडलिंग करती हैं और लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। आपको बता दें कि जैकी श्रॉफ अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। नंबर 3 पर है नसीरुद्दीन शाह। अब बात करें फिल्म त्रिदेव में जय सिंह का नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के रियल लाइफ बच्चों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनके 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बच्चे हैं, जिनमें विवान शाह इनके छोटे बेटे हैं और एक एक्टर है और बॉलीवुड की हिट फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में काम करते हुए नजर आ चुके हैं, जो दिखने में भी काफी हैंडसम नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें इनकी बेटी हिबा की, तो वो भी एक एक्ट्रेस है, जो कि फिल्म ये बुलेट और अफसोस में काम कर चुकी है और आज ये भी लाइमलाइट से दूर हो चुकी है। अब अंत में अगर बात करें इनके तीसरे बेटे के बारे में, तो उनका नाम इमाद शाह है, जो कि एक एक्टर होने के साथ साथ मॉडल भी है, जो कि फिल्म दिल दोस्ती एक्सेट्रा में नजर आ चुके हैं। नंबर 4 पर है सनी देओल। अपने 2.5 किलो के हाथ से मशहूर हुए अभिनेता सनी देओल भी मूवी त्रिदेव का हिस्सा थे, जिन्होंने फिल्म में इंस्पेक्टर करण की अहम भूमिका निभाते हुए इस फिल्म को लोकप्रिय बनाया था। लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ बच्चों की, तो हम आपको बता दें कि इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से 1 का नाम करण देओल है, जो कि बॉलीवुड सुपरस्टार हैं और उन्होंने फिल्म पल पल दिल के पास से फेम हासिल किया है, जिनकी पर्सनालिटी और हैंडसम लुक पर सभी लड़कियां मरती हैं। वहीं अगर बात करें इनके दूसरे बेटे के बारे में, तो उनका नाम राजीव देओल है, जो कि मॉडल है और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। और आपको बता दें कि राजीव अपने पापा और भाई की तरह काफी हैंडसम नजर आते हैं। नंबर 5 पर है सोनम। फिल्म त्रिदेव में रेनू के खूबसूरत किरदार में नजर आई अभिनेत्री सोनम का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने फिल्म में अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने डांस परफॉर्मेंस से भी सभी को अपना दीवाना बनाया था। वहीं अगर बात करें इनके रियल लाइफ बच्चों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इनकी शादी बिजनेसमैन राजीव रॉय से हुई थी, लेकिन अब उनसे इनका डिवोर्स हो चुका है, जिनसे इन्हें एक बेटा है गौरव रॉय, जिनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही उनकी कोई तस्वीर है। वेल, दोस्तों, कैसा लगा आपको त्रिदेव मूवी में नजर आए इन 5 कलाकारों के रियल लाइफ बच्चों से मिलकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।